मेहता का उल्टा चश्मा। मेरा माकोप। हाँ हाँ बोल। अरे बोल। समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या? बहुत अच्छा। माकोप अवार्ड मिलने वाला है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, विवान ने तो कमाल कर दिया। लेकिन मामा, नानी को इस समाज रत्न का अवार्ड मिल क्यों रहा है? अरे समाज की खूब सेवा करने के लिए नानी माँ को ये अवार्ड मिला है। तेरी नानी माँ ने 300 से ज्यादा शादियाँ करवाई है, 80 से ज्यादा डिवोर्स करवाए। मतलब 80 से ज्यादा डिवोर्स रुकवा है। जरा उत्साह में गलती हो गई। और कई गरीब बच्चों को पढ़ाया है, कई गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई है, और भंडारा तो उसका सतत चालू ही रहता है। वाह वाह वाह। पर नानी इतना कुछ करती है और हमें क्यों कुछ पता नहीं चलता? वो क्या है ना, मासी को अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं है, वो अपना खुद का फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो, ग्रेट है नानी माँ। हाँ बेटा, मेरी माँ कभी फोटो नहीं खिंचवाती, इसलिए हमारी शादी में भी माँ का फोटो नहीं है। और बेना, इससे भी बड़ी एक खुशखबर है। और कौन सी खुशखबर है? बोलो बोलो। हाँ मामा, बोलो बोलो। बेना, माँ को ये अवार्ड मुंबई में देने वाले हैं। और ये अवार्ड लेने के लिए माँ मुंबई आने वाली है। मीरा, ये तू क्या कह रहे है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं बेना, और तो और माँ गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर भी आने वाली है। टप्पू, तेरी नानी यहाँ आने वाली है। और आयोजकों ने कहा है कि माँ को खुद ही ये अवार्ड लेने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो वो अवार्ड नहीं देंगे। और वो लोग समाज के बहुत नामचीन लोगों से माँ का परिचय भी कराने वाले है। वाह मम्मी, नानी हमारे घर आने वाले। फोन लगा, सब मिलके बधाई देते हैं। जल्दी लगा, जल्दी लगा बेना। हेलो। हाँ, मैं दया बोल रही हूँ मुंबई से। ओ दया बेटा, कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ। मैं मंचा काकी बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ हाँ पहचाना, आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ। अच्छा, जरा माँ को फोन देंगे, माँ को अवार्ड मिलने वाला है ना, माँ से जरा बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ भी इस बात से सब बहुत खुश है। सच कहती हूँ बेटा, सारी पोर्ट का नाम रोशन कर दिया। लेकिन माँ कहाँ है? उसे फोन दो ना, मुझे उसे बात करनी है। तेरी माँ तो बेटा समाज सेवा करने गई है। अच्छा, वो आएगी तो तुझे फोन करने के लिए कहती हूँ। ठीक है मंचा काकी, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ वो बापूजी, माँ घर पर नहीं है, समय से के काम से बाहर गई है। माँ का ऐसा ही है, अपना ज्यादातर समय वो समाज सेवा में ही बिताती है, घर पे रहती ही नहीं है।
अक्सर माँ बाप बच्चों को कहते हैं, बेटा शाम को जल्दी घर आ जाना। यहाँ हमें माँ को कहना पड़ता है, माँ शाम को समाज सेवा करके जल्दी जल्दी घर आ जाना। अरे मम्मी, ये गुड न्यूज पापा को तो फोन करके बता दो। सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए, लाइट बिल का है। बागा कुरियर करने जा रहा है तो लगे हाथों बिल भी भरता आएगा। ये 5,000 का आंकड़ा तो आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या हुआ सेठ जी? क्या कोई टेंशन? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो साइन कर दीजिए। अरे कर रहा हूँ भाई। घर से फोन? हे भगवान, सुंदर से रक्षा करना। हेलो। हाँ टोपू के पापा, अगर आप खड़े हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि खबर सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। खुशी के मारे क्या शौक के मारे? शौक के मारे। शौक के मारे मतलब खुशी के शौक के मारे। तू मुझे खबर सुना, फिर मैं तय करूंगा कि तेरी खबर खुशी वाली शौक वाली है कि शौक वाली शौक वाली है। अरे टप्पू के पापा, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी सुंदर खबर लेकर आया है मेरा सुंदर हीरा। दया जल्दी बता, इधर मेरे पेट में व्याकुलता का वनटोड़िया उठ रहा है। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगी ना कि आपको व्याकुलता का वनटोड़ थम जाएगा और खुशी से आप सुन्न हो जाएंगे। दया मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जल्दी बता क्या खबर है। बताती हूँ। अभी मत बताना, यहाँ बुला के बताना। आप एक काम कीजिए, जल्दी से बढ़िया वाली 10 किलो मिठाई लेकर घर पर आ जाइए। घर पर आते ही मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बता दूंगी। 10 किलो मिठाई? दया टोपू के पापा, आप जितना जल्दी घर पर आएंगे ना उतनी जल्दी आपको खबर सुनने को मिलेगी। और चलो भाई। दया दया क्या हुआ सेठ जी, 10 किलो मिठाई सेठानी जी ने किस खुशी में मंगवाई? वो नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा 10 किलो मिठाई लेकर आप जैसे ही घर आएंगे विस्तार से बताऊंगी। पता नहीं सुंदर क्या खुश खबर लेके आया है अहमदाबाद से। अरे वाह सुंदर भैया आए हैं, तुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर भैया के आने से? वैसे सेठ जी, सुंदर भैया क्या खुश खबर लेकर आए हैं? अरे वही तो नहीं पता, शायद सुंदर भाई की शादी तय हो गई होगी। अरे नहीं बागा, सुंदर भाई तो मस्त मौला आदमी है। I don't think वो शादी के बंधन में बनने वालों में से है। अरे शादी के बंधन में क्या, वो किसी बंधन में बनने वालों में से नहीं है। तो फिर सेठानी जी ने 10 किलो मिठाई क्यों मंगवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पोपट भाई की शादी तय हो गई हो? अरे सुंदर लाल अहमदाबाद से कोई खुश खबर लेके आया है, उसमें बीच में पोपट लाल कहाँ से आया? हो सकता है सुंदर भैया पोपट भाई के लिए अहमदाबाद से किसी लड़की का रिश्ता लेके आए हो। नहीं नहीं ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? सेठ जी, सेठानी जी ने आपसे कहा है ना कि आप 10 किलो मिठाई लेकर घर पे जाइए, वो आपको बता देंगी कि खुश खबर क्या है। फिर तो सेठ जी जल्द से जल्द आपको 10 किलो मिठाई लेकर घर पहुंचाना चाहिए। और हाँ सेठ जी, जैसे ही आपको पता चले आप प्लीज फोन करके हमें बता देना, क्योंकि क्या है अभी हमारी भी जानने की उत्सुकता एकदम बढ़ गई है। नहीं नेटो काका? यस यस राइटली सेड। सुंदर का अचानक अहमदाबाद से आना, दया का 10 किलो मिठाई मंगवाना, बात वाकई में कोई बहुत बड़ी लग रही है। बबीता जी, बबीता जी, रुको रुको रुको। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड आफ्टरनून जेठा जी। अरे आज आप दुकान से जल्दी वापस आ गए? दया ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना। ओह हाउ स्वीट। हाँ स्वीट के साथ ही बुलाया। पर स्वीट तो एक मिनट चला नहीं, मैं एक मिनट आया, एक ही मिनट। हाँ हाँ भाई ये लो, ये 50 पूरा रखो, कोई छुट्टा उठा नहीं चाहिए। सब 20 रुपये और दीजिए। क्यों? सब 70 रुपये हो गया। क्या रिक्शा का भाव बढ़ा दिया है आप लोगों ने। ये लो।
एक मिनट, ये लो और दूसरा 30 रखो छुट्टा, नहीं चाहिए छुट्टा वापस। एक जमाने में खाली 30 रुपया होता था। अरे वाह, इतनी सारी स्वीट्स, क्या खुशखबरी है। मुझे भी नहीं पता बबीता जी, दया ने इतना बोला कि आप 10 किलो मिठाई लेके घर पे आइए, फिर बताते हो क्या खुशखबरी है। ओके, तो जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए अभी साथ में, हम दोनों साथ में पूछते दया से क्या खुशखबरी है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, आप जाइए, मुझे जरा बैंक पे काम है। ओके बाय, सी यू। ले ला, ले ले ले, ये गर्मा गर्म ढोकड़ा। बस 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 दया बहन, पेट एकदम फुल हो गया है। हाँ, अरे अंडावादी के पेट कभी फुल नहीं होते और उनके दिमाग कभी खाली नहीं होते। करेक्ट 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 मम्मी, ये ढोकला मेरा ले लीजिए, मैं दूसरा गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ। अरे वाह, टप्पू के पापा आ गए। भाई अभी जा नहीं आ गए। अरे वाह पापा, अब मिठाई लेकर आ गए, वेरी गुड। मैं जब दुकान गया था तब तू पढ़ाई कर रहा था ना, हो गई पढ़ाई? अरे पापा, मामा ऐसी मस्त खबर लाए कि दादाजी ने 2 दिन की छुट्टी जाहिर कर दी। खबर सुन के आज कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। दया देख, मैं मिठाई लेके घर भी आ गया, अब तो बता भाई खबर क्या है। बहना पहले माय डियर जीजा जी के हाथ पैर बांध दो। क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, खबर ही ऐसी खुशी की है कि वो सुनते ही आप तख्तिया करने लगोगे। बता खबर क्या है। खबर ऐसी है कि खबर सुनते ही आपका खुद पर ट्रंकल नहीं रहेगा, शायद आप चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं। तुझे नहीं बताना ना खबर क्या है। कोई बातें, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या है, दुकान पे फोन किया था, घर आई, आप बता ही नहीं रही है खबर क्या है। टप्पू के पापा पहले भूत तो मीठा कीजिए। पापा मेरी ओर से, पापा मेरी ओर से। से अपना मुंह मीठा करवाऊंगा, पहले मुझे पता तो चले खबर क्या है। बताती हूँ खबर ये है कि अभी खबर बताते भी मुझे धन्धनाट महसूस हो रही है। कब से ये क्या है, क्या कचड़ा रही है कब से? छोड़िए, सुनिए, खबर ये है संगीत का 8वां सुर, अहमदाबाद की पोल में मशहूर, समाज सेवा में चकचूर, सबकी प्यारी, पूजनीय और आदरणीय, हमारी माँ यानी सुंदर वीरा और दया की माँ कल यहाँ हमारे घर आ रही है। जिनकी आज तक हमने सिर्फ बातें सुनी है, जो हमेशा सिर्फ फोन पर ही मिलती हैं, जिन्होंने आज तक मेरे करोड़ों नए नाम रखे हैं, वो खुफिया खातून साक्षात खुद या हमारे घर पे आ रहे हैं। मुझे ये बता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मातोश्री जी यहाँ मुंबई पधार रहे हैं? अरे पापा, नानी को समाज रत्न का अवार्ड मिल रहा है। समाज रत्न? हाँ, और उसकी सेरेमनी यहाँ पर मुंबई में होने वाली है, इसीलिए नानी यहाँ पर आ रहे हैं। ओ हो, ये तो सच में
बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी बचपन से इच्छा थी उनको देखने की, कल जाके पूरी होगी। बचपन से? मेरा मतलब है टप्पू का बचपन से। याद है टप्पू का चौथा जन्मदिन हमने अहमदाबाद में मनाया था, तब माता जी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद तो मैंने उनको देखा ही नहीं है। अब तक तो मैं भूल भी गया वो कैसे दिखते हैं। कल शायद रास्ते में अचानक मिल जाए तो मैं उनको पहचान भी ना पाऊं। वो क्या है, हमारी माँ को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ले। अरे वो तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का काम करती है। बोलो। अरे वो तो कभी अपना फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो। अरे क्या बात करूँ, उसने तो ये अवार्ड लेने से भी धरा हार मना कर दिया। ले क्यों? वो तो माँ ही जाने। तो फिर माँ माने कैसे? अरे वो अवार्ड वालों ने माँ को बहुत ही आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आप अवार्ड लेंगे तो समाज को एक नया उदाहरण मिलेगा, एक अच्छा दृष्टांत मिलेगा, लोगों को समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपको अवार्ड लेना ही चाहिए, ये एक तरह की समाज सेवा ही है। तब जाके माँ राजी हुई अवार्ड लेने के लिए। मामा, नानी का स्वागत एकदम जोरदार तरीके से करेंगे। अरे माँ के स्वागत का तो मैंने ऐसा आयोजन किया है कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई क्या आयोजन किया हमको भी बता। हाँ, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी। अरे वो तो तूने बताया भाई, अवार्ड में कितने बजे जाना है, मतलब हमको अवार्ड में आना है कि नहीं आना है। मैं तो जाऊंगी। अरे भाई वो तो मैं भी आऊंगा, लेकिन पास तो होना चाहिए। अरे पास हो या दूर, मैं तो जाऊंगी बस। अरे मैं अवार्ड में अंदर जाने के पास की बात कर रहा हूँ। तो क्या कि हमें अगर अवार्ड में आना हो तो क्या कपड़े पहन के आए, वो सब तैयारी करनी पड़ेगी ना। वो सब मैं आयोजक के साथ बात करके आपको फोन पे बता दूंगा। लालू चलो फटाफट निकलते हैं। बेना कल सुबह टाइम से स्टेशन पे पहुंच जाना, हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही मिलते हैं। ओके। तो वीरा रात को आप लोग कहाँ रुकने वाले हैं? होटल में। होटल में? होटल में? वीरा होटल में? हाँ बेना, मुझे पता है जीजा जी, मैं होटल में ठहर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, बिल आप दे देना बस। और बेना कुछ भी काम हो तो मुझे मेरे मोबाइल पे फोन कर देना, मैं होटल CW चैरियट में हूँ। ओहो फाइव स्टार होटल? हाँ फाइव स्टार में 2x3। 2x3? 2x3 मतलब 2 रूम में 3 लोग, एक रूम में ये दोनों और एक रूम में मैं रह लूंगा। क्या है जीजा जी, आप बिल दे रहे हो ना तो 3 रूम लेने का मेरा मन नहीं कर रहा है। छोड़ो ना जीजा जी, 2 रूम में एडजस्ट कर लेंगे। वाह वाह वाह, कितना समझदार है वीरा तो। नहीं जीजा जी, आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, कार्ड से, कैश से या चेक से? नहीं वो काउंटर पे मुझे बताना पड़ेगा ना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे 2-3 दिन में बता दीजिएगा। अब जब तक मुझे नहीं बताओगे मैं वहां से चेकआउट नहीं करूंगा बस। चलो 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 फटाफट निकल आए, चलो 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 सीधा जाते हैं CW चैरेट पे, चलो। अरे वीरा सुनो, डबल चैरिटी होटल में कोई भी तकलीफ होना तो तुम घर पर आ जाना। अरे मैं तो कहता हूँ घर पे आएंगे, बाय बाय, जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही रहो। CW चैरेट, बोलो कोना बाप ने दिवाली। टोपुके पापा, माँ के आने की खबर सुनकर मैं इतनी खुश हूँ, लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। माँ के आने की खुशी करोड़ों रुपए मिलने की खुशी से भी ज्यादा है। आज तो खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। इसे खुशी के मारे नींद नहीं आएगी और मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। पता नहीं दया की माँ यहाँ कल आके मेरा क्या हाल करेगी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, दया भाभी का इंतजार करना, उनके दिल का बेकरार होना बिल्कुल जायज है भाई, बहुत बड़ी घड़ी है, क्योंकि दया भाभी की माँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है भाई। इतनी बड़ी खबर है जैसे मंगल पे मंगलयान का पहुंच जाना, इतनी बड़ी खबर। सिर्फ दया भाभी नहीं, गोकुलधाम में सभी लोग बेताब हैं। दया भाभी की माता जी का आगमन होने वाला है, कैसी दिखती होंगी वो, किस तरह से बातें करती होंगी, कैसे बोलती होंगी, हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, हर व्यक्ति बेकरार है, बेताब है। लेकिन जेठालाल का हाल कुछ अलग है, क्योंकि जेठालाल की तो सासू मां आ रही है।
भाई कोई भी सास आए तो दामाद की सांसें थम सी जाती हैं, और ये तो सुंदरलाल की माँ है, तो सोचिए जेठालाल का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बिल्कुल सही सोचा आपने, राय भाभी की माँ का आगमन यानी कि तूफान और हास्य का हंगामा। क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, सोचते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।